सब के पीछे जो सबसे बड़ा जिम्मेवार जिसको कह लीजिए दोषी कह लीजिए वो है शिक्षा माफिया। जो 67वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा पहली बार हुई थी 8 मई को, पेपर लीक हुआ था, अरबों रुपए का इसमें खेल चला था और जिन लोगों से पैसा लिया गया होगा तो उन लोगों को ये लोग या तो पैसा वापस करें या पीटी पास कराएं, ये क्वेश्चन उपलब्ध कराएं, जैसे भी कराना है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उन लोगों को अंदर करवाने की ये सब जो साजिश रची गई इसके चलते इस तरह का बात हुआ है, इतना कदम ज्यादा गया है, पीडीएफ में छेड़छाड़ किया गया है। क्योंकि अतुल प्रसाद जी नए अध्यक्ष है लेकिन उनके जो और लोग हैं अधिकारी कर्मचारी वो तो पहले से हैं, लंबे समय से, कोई 4 साल, कोई 5 साल, कोई 7 साल से वहां है और वो लोग पेपर लीक में भी निश्चित रूप से संलिप्त होंगे। क्योंकि जब बीपीएससी ऑफिस के अंदर जांच गया तो जांच बंद कर दिया गया। जांच निष्पक्ष नहीं होगी और सभी शिक्षा माफिया नहीं पकड़े जाएंगे तब तक तो गड़बड़ियां होती रहेगी। जो लोग अभी पीटी पास भी कर गए 11,607 तो फिर इसमें जो सेटिंग से गए होंगे धांधली सेटिंग कर गए वो तो मेंस में भी सेटिंग कराएगा। 22 नवंबर मंगलवार को 12 बजे आप लोग बीपीएससी ऑफिस आइए, इन सभी चीजों पे बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों 67वीं बीपीएससी पीटी का कट ऑफ जनरल मेल का 113 गया जो कि बहुत ज्यादा है और किसी ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। और इतना ज्यादा कट ऑफ जाना धांधली सेटिंग और बहुत बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की ओर इशारा करता है क्योंकि बगैर कोई गड़बड़ी के, बगैर धांधली सेटिंग के इतना ज्यादा कट ऑफ नहीं जा सकता। अंदर से क्या सेटिंग हुई, क्या धांधली की गई, ये तो हम लोग बाहर से नहीं देख रहे हैं लेकिन जो गड़बड़ियां, जो धांधली सेटिंग हम लोगों को दिख रहा है उसमें है पीडीएफ में छेड़छाड़, पीडीएफ के साथ छेड़छाड़। जैसा कि कुछ यूट्यूबर चला रहे थे आज सुबह, उसमें मैंने ये सुना है, देखा है कि जो रोल नंबर पहले से पीडीएफ में होगा, जो रिजल्ट तैयार किया गया होगा उसमें बाद में स्टिकर चिपकाया गया, कॉपी पेस्ट किया गया, तो इस तरह की गड़बड़ी है। यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर ये गड़बड़ी लग रही है। बहुत सारे रोल नंबर हैं जो सीरियली पास किए हुए हैं, तो क्या ये सामान्य परिस्थिति है या धांधली सेटिंग करके ऐसा हुआ है कि सीरियली पास है, ये क्या है, ये जांच का विषय बनता है। लेकिन पीडीएफ में जो छेड़छाड़ वाली बात कुछ लोग कर रहे हैं यूट्यूब पे, तो ये बहुत बड़े स्तर पे धांधली सेटिंग की ओर इशारा करता है। और तीसरी बात कि 6-7 क्वेश्चन का आंसर भी गलत दिया गया है। मैंने आज सुबह ही फाइनल आंसर किसे मिलाया तो मुझे 6 से 7 क्वेश्चन का आंसर भी गलत लग रहा है। और चौथी बात कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे पास फोन किए हैं, बता रहे हैं कि फाइनल आंसर किसे, जितना उनका मार्क्स आ रहा है उससे कम करके 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर कम करके उनका मार्क्स बीपीएससी के वेबसाइट पे दिखाया जा रहा है। तो ये 4 तरह की बातें अभी तक सामने आई है। अगर इसके अलावा भी आप लोग को कुछ नजर आए, पता चले तो जरूर हमें बताइएगा। लेकिन ये 4 चीजें हैं और इन सब के पीछे जो सबसे बड़ा जिम्मेवार जिसको कह लीजिए दोषी कह लीजिए वो है शिक्षा माफिया। जो 67वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा पहली बार हुई थी 8 मई को, पेपर लीक हुआ था, अरबों रुपए का इसमें खेल चला था और जिन लोगों से पैसा लिया गया होगा तो उन लोगों को ये लोग या तो पैसा वापस करें या पीटी पास कराएं, ये क्वेश्चन उपलब्ध कराएं, जैसे भी कराना है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उन लोगों को अंदर करवाने की ये सब जो साजिश रची गई इसके चलते इस तरह का बात हुआ है, इतना कदम ज्यादा गया है और पीडीएफ में छेड़छाड़ किया गया है। क्योंकि अतुल प्रसाद जी नए अध्यक्ष है लेकिन उनके जो और लोग हैं अधिकारी कर्मचारी वो तो पहले से हैं, लंबे समय से, कोई 4 साल, कोई 5 साल, कोई 7 साल से वहां हैं और वो लोग पेपर लीक में भी निश्चित रूप से संलिप्त होंगे। क्योंकि जब बीपीएससी ऑफिस के अंदर जांच गया तो जांच बंद कर दिया गया। 64वीं में इतनी बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई, 66वीं में डीएसपी का रैंक घोटाला, पद घोटाला किया गया। तो ये तो टीम तो वही है, सिर्फ अध्यक्ष बदले हैं, सिर्फ अध्यक्ष नए हैं, बाकी लोग तो वही पुराने लोग हैं। और जिन लोगों को हम लोग हटाने की बात करें, जैसे परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार जिनको सचिव भी बना दिया है, उनको हटाने की मांग हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं। तो वो लोग हो सकता है अध्यक्ष जो अतुल प्रसाद जी उनको पता भी ना हो और ये लोग गड़बड़ी कर दिए, ऐसा भी हो सकता है। ये जांच का विषय है, ये जांच निश्चित रूप से इसमें होनी चाहिए। और जब तक जांच निष्पक्ष नहीं होगी और सभी शिक्षा माफिया नहीं पकड़े जाएंगे तब तक तो गड़बड़ियां होती रहेंगी। जो लोग अभी पीटी पास भी कर गए 11,607 तो फिर इसमें जो सेटिंग से गए होंगे धांधली सेटिंग कर गए वो तो मेंस में भी सेटिंग कराएगा। हम ये नहीं कर रहे हैं कि 11,607 में सभी सेटिंग से ही गए हैं, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम ये जरूर कर रहे हैं कि इसमें बहुत सारे लोग मेरिट से, ईमानदारी से भी गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग सेटिंग से भी गए हैं। तो जो सेटिंग से गए तो मेंस में भी सेटिंग कराएगा। तो इसलिए एक बार निष्पक्ष रूप से सीबीआई जांच पेपर लीक की होनी चाहिए और 67वीं पीटी का पुनर्परीक्षा का जो रिजल्ट दिया गया है
उसकी भी जांच होनी चाहिए, क्या पीडीएफ में कोई छेड़छाड़ की गई है। तो ये जो चार पांच मुद्दे हैं, इन सब मुद्दों को लेकर 22 नवंबर मंगलवार को 12 बजे आप लोग बीपीएससी ऑफिस आइए, इन सभी चीजों पर बात करेंगे। 53 से 55 में क्या हुआ था कि चार क्वेश्चन का आंसर गलत था, तो पटना हाईकोर्ट में केस चला, बीपीएससी ने वहां एक्सेप्ट कर लिया कि चार क्वेश्चन का जो उत्तर गलत था, इसके चलते हम हर कैटेगरी में चार कट ऑफ कम कर करके रिजल्ट एक्स्ट्रा रिजल्ट देंगे। और यहाँ 6 से 7 क्वेश्चन का आंसर गलत है, तो ये संभावना भी बनती है कि 6-7 क्वेश्चन का आंसर जो आपने गलत दिया है तो उतना कट ऑफ कम हर कैटेगरी में कम करके रिजल्ट दीजिए, ये भी बनता है। और दूसरी बात कि पूरे रिजल्ट की जाँच भी होनी चाहिए, जो पीडीएफ में छेड़छाड़ हुई है कि नहीं हुई है इसकी जाँच होनी चाहिए। अगर नहीं हुई है छेड़छाड़ तो अध्यक्ष और बीपीएससी को क्लीन चिट मिल जाएगा, जांच कराने में क्या दिक्कत है, जांच होनी चाहिए। जब बाहर बात ये चल रही है कि पीडीएफ में छेड़छाड़, जैसे जानकार बता रहे हैं, जो लोग इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, जानकार है, वो लोग बता रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि पीडीएफ में छेड़छाड़ किया गया, जो रिजल्ट है उसमें छेड़छाड़ किया गया है, बहुत सारे रोल नंबर पर स्टिकर बाद में चिपका के रोल नंबर दिया गया है, कॉपी पेस्ट किया गया है, तो क्या बात है, ये जाँच होना चाहिए। और जब तक एक बार निष्पक्ष जाँच नहीं होती है पेपर लीक की, तब तक धांधली सेटिंग आगे भी होती रहेगी। और इन सब मुद्दों को लेकर हम लोग बीपीएससी ऑफिस मंगलवार 22 नवंबर को 12 बजे बीपीएससी ऑफिस जा रहे हैं। आप सभी लोग आइए, घर मत बैठे रहिए, अगर आप घर बैठे रहिएगा तो सर सचमी का 113 गया और सचमी का 120 जाएगा, तो आप क्या कीजिएगा फिर। और जब तक ये धांधली सेटिंग बंद नहीं होगी तब तक बहुत दिक्कत है। और जब ये रिजल्ट प्रकाशित हुआ था उससे पहले ही 113 कटअप व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप फेसबुक इस सब पे वायरल हो गया था, उसके बाद से ही मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का फ़ोन कॉल्स आने लगा है, अभी भी आ रहा है, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा है, तो मैं सभी का फ़ोन कॉल रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ, ना ही व्हाट्सएप पे सबका रिप्लाई कर पा रहा हूँ, लेकिन जितना संभव हो पाता है फ़ोन कॉल भी रिसीव करता हूँ, व्हाट्सएप पर रिप्लाई भी कर रहा हूँ, जिनका कॉल छूट जाता है उनको बाद में कॉल बैक भी करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों का फ़ोन कॉल मैं रिसीव नहीं कर पा रहा हूँ या कॉल बैक नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 24 घंटा ही होता है और इसी में सब कुछ करना है। और मैं खुद फ़ोन रिसीव करता हूँ, खुद व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई करता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं किसी स्टाफ को रखा हूँ या किसी सहयोगी को रखा हूँ जो ये सब काम करते हो मेरे बदले, मुझे ही सारा काम करना रहता है। और अभी जैसे ये वीडियो बना रहा है इसी समय बहुत सारा कॉल आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं किसी से अगर बात कर रहे हैं 1 मिनट भी तो उसी दरमियान 10-15 कॉल आ जाता है, तो आप सोच सकते हैं कि अकेला कितना मैं कर पाऊंगा, जितना हो पा रहा है मैं कर पा रहा हूं, जिन लोगों का फ़ोन रिसीव नहीं कर पाया हूं मैं कोशिश अभी भी कर रहा हूं और आगे भी करूंगा, बारी बारी से कॉल बैक करूं, लेकिन एक मोटा मोटी जो आप लोग की समस्या है वो यही है कि रिजल्ट में जो गड़बड़ी हुई है उसकी जांच हो, पीडीएफ में जो गड़बड़ी लग रही है उसकी जाँच हो, और 6-7 क्वेश्चन जो गलत आंसर जिसका दिया गया है उतना हर कैटेगरी में कट ऑफ करके रिजल्ट भी दिया जाए, और बाकी जो भी गड़बड़ियाँ हैं उसकी जाँच हो और पेपर लीक की CBI जाँच हो, तभी ये साफ सुथरा आगे एग्जाम होगा। तो ये मोटा मोटी मुद्दा है, इसके अलावा भी कुछ अगर आप लोग का हो डिमांड तो हमें ज़रूर बताइएगा। और 22 नवंबर को 12 बजे 22 नवंबर मंगलवार को 12 बजे आप लोग बीपीएससी ऑफिस आइए। और अभी मैं घर आ चुका हूँ, कल ही घर आया हूँ, फैमिली में एक शादी है जिसमें मेरा जाना अनिवार्य ही था, आप समझ रहे हैं कि जब फैमिली में शादी है तो जाना ही पड़ता है, तो इसलिए मैं कल ही पटना से घर आ गया हूँ, तो और नहीं तो मैं सोमवार को ये प्लान करता, तो सोमवार को मैं पटना नहीं जा पाऊंगा, इसलिए मंगलवार को मैंने रखा है। और मेरे कान का, बाया कान का भी इलाज चल रहा है, आप सबको पता होगा, फ़ोन रिसीव करने से मना किया गया है, फिर भी मैं स्पीकर पे रख के बात करता हूं, तो आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि कम से कम शब्दों में जो आपका मुद्दा हो, जो आपकी समस्या हो, वो बता के आप बात खत्म कीजिएगा, ज़्यादा लंबा बात नहीं कीजिएगा। और कोशिश कीजिए कि व्हाट्सएप पर ही आप मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप पर ही हम रिप्लाई करने का कोशिश करेंगे। और 20 नवंबर के बाद हमें दिल्ली भी जाना था इस सप्ताह एम्स में फिर इलाज कराने के लिए, लेकिन इन सब परिस्थितियों में भी मैं 22 नवंबर को बीपीएससी ऑफिस आ रहा हूं, आप सभी आइए। अब देखते हैं एम्स कब फिर जा पाते हैं, इधर नया ही बखेरा बीपीएससी ने खड़ा कर दिया, मुझे क्या पता था कि इस तरह की गड़बड़ियां बीपीएससी कर देगा, तो मुझे 20 नवंबर के बाद जाना था एम्स। तो आप सभी लोग 22 नवंबर को 12 बजे बीपीएससी ऑफिस आइए, और जितना भी मुद्दा है हम सभी उन मुद्दों को बीपीएससी के चेयरमैन साहब के सामने रखेंगे, अगर वो उन मुद्दों को सुनकर हम लोग के साथ न्याय करते हैं तो ठीक है, अगर न्याय नहीं करेंगे तो फिर हम लोग परसेंटाइल हटाने के लिए जो आंदोलन किए उससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे, लेकिन चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि अगर हम अभी चुप रहे तो 68वीं में इससे भी ज़्यादा बड़ा खुला होगा। और 67वीं में क्या है,
डिप्टी कलेक्टर का सीट ज्यादा है, तो इसके चलते मारामारी हो रही है सेटरों के बीच, शिक्षा माफियाओं के बीच, क्योंकि उसकी बोली ज्यादा लगती है, डिप्टी कलेक्टर के लिए पद के लिए ज्यादा पैसा मिलता है, तो इसलिए ये लोग भी लगे हुए हैं कि हर हाल में सेटिंग गेटिंग हो जाए, करवा लें। तो इसलिए हम सबको सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा, और पढ़ाई के साथ साथ लड़ना भी होगा, संघर्ष भी करना होगा। तो आप सभी लोग 22 नवंबर 12 बजे बीपीएससी ऑफिस जरूर आइए, और आपके पास जिस क्वेश्चन का भी आंसर गलत लगे उसका सबूत ऑथेंटिक बुक से लेके आइए, जीरोक्स करा के जरूर आइए। धन्यवाद। जय हिंद।